सलमान की फिल्मों को थिएटर पर देखने के लिए उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं। ऐसे में सलमान खान भी अपनी नई नई फिल्मों को लेकर खूब ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन्हीं में से एक है उनकी फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ, जिसकी शूटिंग में इस वक्त सलमान खान काफी ज्यादा बिजी हैं। ऐसे में से अब फिल्म के सेट से ये खबरें सामने आ रही हैं कि फिल्म एक जबरदस्त आइटम सॉन्ग होने वाला है। वेल, इस फिल्म को देखने के लिए अब जितने भाईजान के फैंस एक्साइटेड नजर आ रहे थे, उससे ज्यादा अब नूरा फतेही के फैंस भी एक्साइटेड नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, खबरें दरअसल ये है कि फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ में बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नूरा फतेही आइटम सॉन्ग पर डांस करते हुए नजर आने वाले हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि नूरा फतेही अपने डांस मूव्स इस फिल्म में और भी ज्यादा चार चांद लगा देंगी। जी हाँ दोस्तों, इनसाइड सोर्सेस की माने तो नूरा फतेही कुछ वक्त पहले फिल्म के सेट पर भी नजर आई थी, जिसके बाद से यही कहा जाने लगा है कि नूरा फतेही इस बार सलमान खान के फिल्म में अपने डांस का जलवा दिखाएंगी। वह सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वरुण धवन भी उनके साथ इस गाने में नजर आ सकते हैं। तो वहीं फिल्म अंतिम के मेकर्स ने फिलहाल तो इस बारे में कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन खबरें यही हैं कि नूरा फतेही अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में आइटम सॉन्ग्स करने के लिए पहली अभिनेत्री बन चुकी है और सबकी पसंदीदा अभिनेत्री भी मानी जाती है। तो वहीं एक्ट्रेस ने अपने इतने सारे आइटम सॉन्ग से धूम मचा दी है कि लोग उन्हें हर एक फिल्म में आइटम सॉन्ग करते हुए देखना ही चाहते हैं, जिस वजह से नूरा फतेही खूब डिमांड पर है और एक बार फिर से फिल्म अंतिम में उनको सभी लोग डांस करते हुए देखना चाहते हैं। वह कहा जा रहा है कि इस बार नूरा फतेही फिर किसी रिमेक सॉन्ग पर डांस करते हुए नजर आने वाली हैं, जिसके लिए नूरा के फैंस भी इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेल दोस्तों, बीते दिन बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को उनकी कार में एक खास जगह पर भी स्पॉट किया गया था। वेल आपको बता दें कि इस दौरान वो अपने मोबाइल में कुछ तस्वीरें लेते हुए दिखाई दिए थे। दरअसल अपकमिंग फिल्म अंतिम की शूटिंग के सेट से उनकी तस्वीरें सामने आई थी, तो वहीं शूटिंग के बाद उन्हें स्पॉट किया गया। वेल आपको बता दें कि खास बात ये थी कि इस वक्त उनके साथ प्रज्ञा जायसवाल भी स्पॉट हुई, लेकिन वो एक दूसरी गाड़ी में मौजूद थी। खबरें हैं कि प्रज्ञा जायसवाल साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरहिट एक्ट्रेस के लिस्ट में शुमार होती है, लेकिन अब माने तो वो सुपरस्टार सलमान खान के हीरोइन इस फिल्म में बनने वाली हैं। उनके साथ रोमांस करते हुए भी नजर आएंगे और साथ ही उन्होंने अपने इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। बता दें कि बॉलीवुड स्टार सलमान खान और आयुष शर्मा की आने वाली फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ अपनी अनाउंसमेंट के समय से ही चर्चा में है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और इसका टीजर भी रिलीज किया जा चुका है, जो कि काफी ज्यादा पसंद किया गया है। फिल्म में सलमान खान एक सिख पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आने वाले हैं और खबरें हैं कि इस फिल्म के लिए सलमान खान के हीरोइन को फाइनल कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान के हीरोइन इस बार प्रज्ञा जायसवाल होने वाली हैं। तो वहीं फिल्म में आइटम नंबर करने के लिए नूरा फतेही का नाम काफी ज्यादा चर्चाओं में आ रहा है। तो दोस्तों, आपको फिल्म अंतिम में साउथ फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल के एंट्री के बारे में जानकर कैसा लगा, और साथ ही नूरा फतेही के आइटम सॉन्ग के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।